नमस्कार दोस्तों, कॉमर्स दादा में आपका स्वागत है। और आज हम लोग रॉयल्टी में क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है रिलेटेड है पेमेंट ऑफ रॉयल्टी एट ए स्पेसिफाइड डेट ऑफ नेक्स्ट ईयर। कहने का मतलब यह है कि रॉयल्टी का जो पेमेंट होगा वो नेक्स्ट ईयर के किसी स्पेसिफाइड डेट में होगा। तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये स्पेसिफाइड डेट क्या होता है और जो पेमेंट जो हम लोग रॉयल्टी का करेंगे वो किसी नेक्स्ट ईयर में कैसे करेंगे, तो ये पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। कभी कभी लेसी और लेसर के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट हो जाता है कि रॉयल्टीज़ का अमाउंट पेमेंट ईयर के लास्ट डेट पे ना होकर नेक्स्ट ईयर के किसी स्पेसिफाइड डेट पर किया जाता है। यानी कि मान लिया जाए कि 31 दिसंबर 2011 को ईयर एंड हो रही है और उसकी रॉयल्टी अमाउंट की जो पेमेंट है उसको हम लोग 31 दिसंबर 2011 को ना करके 31 जनवरी 2012 को करेंगे। कहने का मतलब यही है, नेक्स्ट ईयर कोई स्पेसिफाइड डेट ऐसा फिक्स हो जाता है इन दोनों के बीच कि 31 दिसंबर को ना करके उसका पेमेंट जो है नेक्स्ट ईयर के 31 जनवरी 2012 को करेंगे। अगर 11 है तो नेक्स्ट ईयर जनवरी 12 होगा, अगर कोई ईयर 2012 है तो उसका जो नेक्स्ट ईयर होगा वो जनवरी 31, 2013 होगा। और जर्नल इंट्री में भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, पेमेंट वाली जो इंट्री करेंगे वो 31/12 को ना करके 31 जनवरी को, नेक्स्ट ईयर के 31 जनवरी को करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। धनबाद माइनिंग कंपनी कमेंस्ड वर्क ऑन 1 जनवरी 2008 अपॉन लैंड लीज टू इट बाय द लैंडलॉर्ड। The lease provided for the payment on 31st January 2009 and annually thereafter of a royalty of 10 paisa per ton on mineral rents during the preceding calendar year. The royalty was subject to a minimum rent of rupees 200 per annum with the right to recoup short workings extending to the payment due on 31st January 2012. The annual tonnage rest has been as follows: 1000 ton in 2008, 1750 ton in 2009, 2300 ton in 2010, 2800 ton in 2011, 4000 ton in 2012. So, landlord account and short workings account in the books of Dhanbad Mining Company. दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि धनबाद माइनिंग कंपनी कमेंस्ड वर्क ऑन 1 जनवरी 2008 अपॉन लैंड लिस्ट टू इट बाय द लैंडलॉर्ड। तो धनबाद माइनिंग कंपनी ने एक ज़मीन लीज पे लिया और किसे लिया, लैंडलॉर्ड से लिया, और उसने अपना काम स्टार्ट किया 1 जनवरी 2008 से। उसके बाद दिया हुआ है द लीज प्रोवाइडेड फॉर द पेमेंट ऑन 31 जनवरी 2009 एंड एनुअली देयर आफ्टर ऑफ रॉयल्टीज ऑफ 10 पैसा पर टन ऑन मिनरल रेस्ट ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर। तो कहने का मतलब ये है कि रॉयल्टी जो है वो निकलेगी 10 पैसे पर टन के हिसाब से और उसका पेमेंट जो होगा वो 31 जनवरी 2009 को, यानी कि फर्स्ट वाला जो पेमेंट होगा वो 31 जनवरी 2009 को होगा और उसके बाद जो पेमेंट ये करेंगे वो ईयरली करेंगे यानी कि कैलेंडर ईयर वाइज करेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि कैलेंडर ईयर किसे कहते हैं। मान लीजिए कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर जो है वो कैलेंडर ईयर होता है और फिनांशियल ईयर वो होता है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलेंडर ईयर, तो ये आप लोग थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रखिएगा कि कैलेंडर ईयर किसे कहते हैं और फिनांशियल ईयर किसे कहते हैं। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है द रॉयल्टी वाज सब्जेक्ट टू ए मिनिमम रेंट ऑफ रुपीज 200 पर एनम विद द राइट टू रिक्यूब शॉर्ट वर्किंग्स एक्सटेंडिंग टू द पेमेंट ड्यू ऑन 31 जनवरी 2012। मिनिमम रेंट अमाउंट जो होगी वो 200 रुपीज़ होगी और 200 रुपीज़ जो है पर एनम कहने का मतलब हर साल 200 रुपया जो है मिनिमम रेंट होगी। और शॉर्ट वर्किंग्स अमाउंट को रिक्यूब उसी अमाउंट से कर सकते हैं जिसका पेमेंट 31 जनवरी 2012 को किया जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसी में कन्फ्यूज़ कर जाते हैं कि सर ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि 31 जनवरी 2012 को ये कह रहे हैं। बहुत लोग 31 जनवरी यानी कि 2012 में इसका रिक्यूबमेंट करेंगे, बट ऐसा नहीं करना है। स्टूडेंट को मैं स्पेशली ये कहना चाहता हूँ कि क्वेश्चन को प्लीज़ आप समझिए, देखिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि आप शॉर्ट वर्किंग अमाउंट को रिक्यूब उसी अमाउंट से कर सकते हैं जिसका पेमेंट 31 जनवरी 2012 को किया जाएगा। तो 31 जनवरी 2012 को किसका पेमेंट किया जाएगा, यानी कि 31 दिसंबर 2011 वाला पेमेंट जो है
हम लोग 31 जनवरी 2012 को करेंगे, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा समझना है। और हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब जो करेंगे वो जनवरी यानी कि 31 दिसंबर 2011 तक हम लोग उसका रिक्यूब कर सकते हैं, यानी कि ईयर 2011 में ही रिक्यूब कर सकते हैं। और जो रिक्यूब नहीं होगा वो अनरिक्यूब्ड अमाउंट जो है हम लोग पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है द एनुअल टनेज रेस्ट हैज़ बीन एज फॉलोज, यानी कि जो प्रोडक्शन हुई है वो कितने टन किस ईयर में हुई है उसका डिटेल दिया हुआ है। तो 2008 में जो है 1000 टन, 2009 में 1750 टन, और 2010 में 2300 टन, 2011 में 2800 टन, और 2012 में जो है 4000 टन। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है सो लैंडलॉर्ड अकाउंट एंड शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ धनबाद माइनिंग कंपनी। तो क्वेश्चन में देख लीजिए कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि धनबाद माइनिंग कंपनी जो है वो लीसी है, यानी कि ये जो लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाएंगे, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाएंगे, वो हम लोग धनबाद माइनिंग कंपनी के बुक्स में बनाएंगे, और धनबाद माइनिंग कंपनी जो है यहाँ पे लीसी है। तो क्वेश्चन को देखते हुए फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन को देखने के बाद हम लोग एनालिटिकल टेबल बनाएंगे, और रॉयल्टी अकाउंट में जैसा कि एनालिटिकल टेबल से ही ये पता चल पाता है कि कितना आउटपुट है, कितना रॉयल्टीज पर टन निकला है, कितना मिनिमम रेंट देना है, कितना एक्सेस वर्किंग है, कितना शॉर्ट वर्किंग है, कितना रिक्यूब्ड है, कितना अनरिक्यूब्ड है, ये सब बिना एनालिटिकल टेबल से हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए हम लोग एनालिटिकल टेबल बनाएंगे, और एनालिटिकल टेबल बनाने के लिए आप लोग को मैंने पहले भी बताया था वीडियो में, मेरे प्रीवियस वीडियो जो है वो आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ। तो एनालिटिकल टेबल हम लोग कैसे बनाते हैं ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। तो आप जो है 10 कॉलम बना लीजिए, तो फर्स्ट कॉलम जो होगा वो ईयर का होगा, और सेकेंड कॉलम जो होगा वो आउटपुट पर टन का होगा, और थर्ड कॉलम जो होगा वो एक्चुअल रॉयल्टीज़ एट द रेट ऑफ 10 पैसा पर टन, यानी कि इस क्वेश्चन में 10 पैसा पर टन दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एट द रेट ऑफ 10 पैसा पर टन। क्वेश्चन में जितना पैसा पर टन दिया रहेगा उतना पैसा पर टन हम लोग यहाँ लिखेंगे। उसके बाद फोर्थ कॉलम जो है मिनिमम रेंट का है, उसके बाद फिफ्थ कॉलम जो है एक्सेस वर्किंग, यानी कि कितना एक्सेस वर्किंग है ये सब, इसलिए फिफ्थ कॉलम में ये करेंगे। उसके बाद एक हम लोग शॉर्ट वर्किंग्स का बना लेते हैं जिसमें कि 4 कॉलम हम लोग रखते हैं। तो फर्स्ट कॉलम जो होता है वो सफर्ड का होता है, यानी कि कितना शॉर्ट कर गया, और उसके बाद जो कॉलम हम लोग बनाते हैं शॉर्ट वर्किंग में वो रिक्यूब्ड का बनाते हैं, यानी कि कितना हमने रिकवर कर लिया, और उसके बाद जो कॉलम हम लोग करेंगे वो अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफ़र टू पीएल, यानी कि जितना भी अनरिक्यूब्ड अमाउंट है उसको हम लोग पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे। और नेक्स्ट वाला जो कॉलम है वो कैरी फॉरवर्ड का होता है, यानी कि कितना अमाउंट आपका शॉर्ट वर्किंग है, कितना रिक्यूब कर गया है, कितना रिक्यूब करना बाकी है, तो ये हम लोग कैरी फॉरवर्ड में लिखते हैं। और सबसे लास्ट वाला कॉलम जो 10वां कॉलम है वो अमाउंट पेबल टू लैंडलॉर्ड, यानी कि लैंडलॉर्ड को कितना पेमेंट करना है वो कॉलम हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि ईयर 2008 है और आउटपुट टन जो निकला है वो 1000 टन है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्चुअल रॉयल्टी जो है 10 पैसा पर टन। तो हम 1000 टन का 10 पैसा पर टन के हिसाब से कैलकुलेट करके निकालेंगे, तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो 100 रुपये आएगा, और क्वेश्चन में दिया हुआ है मिनिमम रेंट जो है 200 है, यानी 200 रुपये मिनिमम रेंट है। तो इसमें आप ये देख लीजिए कि एक्चुअल रॉयल्टीज़ कितना है और मिनिमम रेंट कितना है, तभी हम लोग शॉर्ट वर्किंग अमाउंट निकाल सकते हैं, यानी कि मिनिमम रेंट जो है ये 200 रुपये है और एक्चुअल रॉयल्टी जो है वो 100 है, यानी 100 रुपये है। तो हम मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रॉयल्टी करते हैं तभी शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट निकलता है। तो यहाँ 200 माइनस 100 करेंगे तो 100 जो है वो सफर्ड कर गया, इसलिए हम लोग सफर्ड वाले कॉलम में 100 लिखेंगे, और रिक्यूब्ड अनरिक्यूब्ड इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे, और ये जो कैरी फॉरवर्ड जो है वो उसमें हम लोग 100 रुपये लिखेंगे, और अमाउंट पेबल टू लैंडलॉर्ड जो लिखा हुआ है उसमें 200 रुपीज़ हम लोग लिखेंगे, क्योंकि मिनिमम रेंट जो है वो 200 है, इसलिए वहाँ पर 200 लिखेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर देखेंगे, ईयर 2009, आउटपुट टन जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है 1750। यहाँ क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि कितना टन है, कितना पैसा पर टन के हिसाब से निकलेगा, और मिनिमम रेंट कितना है। तो आप ईयर, आउटपुट, एक्चुअल रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, इस कॉलम में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी,
क्योंकि ये सब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। दिक्कत मेन होता है स्टूडेंट को ये समझने में कि सर सफर कहाँ कर रहा है, रिक्यूब कहाँ करेगा, अनरिक्यूब कहाँ करेगा, इसमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। बट मैं जैसा बता रहा हूँ आप देखते जाइए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ईयर 2009 में हम लोग देखेंगे कि आउटपुट टन जो है वो 1750 टन दिया हुआ है और एक्चुअल रॉयल्टी 10 पैसा पर टन के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे तो 1750 का 10 पैसा पर टन के हिसाब से निकलेगा 175 रुपया। और मिनिमम रेंट जो दिया हुआ है वो 200 है, यानी क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि हर साल 200 रुपया मिनिमम रेंट है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं, जैसे एनालिटिकल टेबल देखने से ही आपको पता चल रहा है कि मिनिमम रेंट ज़्यादा है और एक्चुअल रॉयल्टी कम है। तो 25 रुपया जो है वो सफर्ड कर गया, तो 25 रुपया हम लोग सफर्ड वाले कॉलम में लिखेंगे और यही 25 रुपया जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो आप जो है यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड वाले कॉलम में 100 प्लस 25 यानी कि 100 प्लस 25 करेंगे तो 125 आप लिख सकते हैं ऐड करके, और नहीं भी लिख सकते हैं वो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अमाउंट पेबल टू लैंडलॉर्ड जो है उसमें 200 रुपीज़ जो है वो हम लोग लिखेंगे क्योंकि मिनिमम रेंट 200 है। फिर ईयर 2010 में हम लोग देखेंगे, तो ईयर 2010 में जो है आउटपुट दिया हुआ है 2300 टन, यानी कि 2300 टन दिया हुआ है। फिर एक्चुअल रॉयल्टी एट द रेट ऑफ 10 पैसा पर टन के हिसाब से कैलकुलेट करके हम लोग निकालेंगे तो 230 रुपया यहाँ निकलेगा और मिनिमम रेंट जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है 200 रुपया है। तो अब यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि एक्चुअल रॉयल्टी जो है मिनिमम रेंट से ज़्यादा है। तो हम जानते हैं कि जब ज़्यादा रहता है तो एक्सेस वर्किंग वाले में लिखते हैं और कम रहता है तो शॉर्ट वर्किंग वाले में लिखते हैं। तो एक्सेस वर्किंग है इसलिए हम लोग यहाँ पे एक्सेस वर्किंग में लिखेंगे 30 रुपये, यानी कि 200 माइनस 230 अगर करते हैं तो 30 रुपये जो है एक्सेस हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ था कि आप रिक्यूब कर सकते हैं 2011 तक, तो हम ये देख रहे हैं कि दो साल मेरा शॉर्ट कर गया और तीसरे साल में क्या है कि 2010 में जो है ये एक्सेस कर गया। तो हम यहाँ पे रिक्यूब कर सकते हैं और इसके बाद फिर हम 2011 तक ही रिक्यूब कर सकते हैं, उसके बाद हम रिक्यूब नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2010 में हम 30 रुपया रिक्यूब कर लेंगे, 30 रुपया रिक्यूब करने के बाद जो है 125 में आप 30 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 95 रुपया जो है कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा। और फिर अमाउंट पेएबल टू लैंडलॉर्ड जो है 200 रुपीज़ वहाँ पे हम लोग लिखेंगे। फिर ईयर 2011 में आते हैं, तो ईयर 2011 में हम लोग ये देखेंगे कि आउटपुट टन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, तो 2800 टन दिया हुआ था और एक्चुअल रॉयल्टी जो है 10 पैसा पर टन के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे तो 280 रुपया निकलेगा। फिर मिनिमम रेंट क्वेश्चन में दिया हुआ था 200 और यहाँ पे एक्सेस वर्किंग जो है 280 रुपया एक्चुअल रॉयल्टी है और मिनिमम रेंट 200 है। तो आप देखेंगे कि 280 ज़्यादा है और 200 रुपया कम है, तो 80 रुपया जो होगा वो एक्सेस वर्किंग होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक्सेस वर्किंग वाले कॉलम में 80 रुपया लिखेंगे। और जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आप जो है रिक्यूब कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 2011 तक ही रिक्यूब कर सकते हैं, उसके बाद आप रिक्यूब नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 80 रुपया रिकवर कर लेंगे। और 80 रुपया रिकवर करने के बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास कितना अनरिक्यूब्ड के लिए बचा है, यानी कि 95 में आप 80 रुपीज़ माइनस करेंगे तो यहाँ पे 15 रुपया जो है वो अनरिक्यूब्ड हो गया, यानी कि उसका रिकवर हम नहीं कर पाए। हमारा कैरी फॉरवर्ड में दिया हुआ है कि 95 रुपया है, 95 में आप 80 रुपया माइनस करेंगे यानी कि आपका एक्सेस जितना होगा उतना ही आप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे 80 रुपया आप माइनस करेंगे 95 से तो 15 रुपया जो होगा वो अनरिक्यूब्ड होगा। और ये जो अनरिक्यूब्ड अमाउंट जो होता है उसको हम लोग पीएल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसलिए 15 रुपया अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफ़र टू पीएल वाले कॉलम में 15 रुपया लिखेंगे। और कैरी फॉरवर्ड में कुछ नहीं होगा क्योंकि पूरा शॉर्ट वर्किंग ख़त्म हो चुका है अमाउंट। और अमाउंट पेएबल टू लैंडलॉर्ड में जो है हम लोग 200 रुपीज़ लिखेंगे, ये मिनिमम रेंट है तो 200 रुपया उसको देना है। फिर ईयर 2012 में हम लोग देखेंगे, आउटपुट क्वेश्चन में दिया हुआ है 4000 टन और एक्चुअल रॉयल्टी 10 पैसे पर टन के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 400 रुपया निकलेगा और मिनिमम रेंट 200 दिया हुआ है। तो अब हम लोग ये लास्ट वाले जो ईयर है इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कोई शॉर्ट वर्किंग वगैरह कुछ है नहीं, अगर शॉर्ट वर्किंग रहता
और ऐसा कोई कंडीशन रहता है कि हमको रिक्यूब करना है ये, तो ऐसा कुछ इसमें नहीं दिया हुआ है। इसलिए जितना भी कॉलम है इसमें आप मतलब डैश डैश करते जाइए, इसमें कुछ नहीं करना। एक्सेस वर्किंग में डैश कर देंगे, सब फॉर रिक्यूब्ड अनरिक्यूब्ड और कैरी फॉरवर्ड में डैश डैश करते जाइए। और अमाउंट पेबल टू लैंडलॉर्ड में 400 लिखेंगे। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि लास्ट वाले ईयर में क्या होता है कि एक्चुअल रॉयल्टीज़ और मिनिमम रेंट, विच एवर इज़ हायर, जो हायर होता है वही अमाउंट लैंडलॉर्ड को पे होता है। तो इसलिए हम लोग लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे 400 रुपया। तो मिनिमम रेंट जो अमाउंट होगा वो 400 हम लोग लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको एनालिटिकल टेबल बना के बताया, तो मैं सोचता हूँ कि आपको एनालिटिकल टेबल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी आगे चलकर। तो अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम लग रही है या कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं सर ने गलत बताया या सर सही से नहीं बताया है, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे कोई सजेशन दे सकते हैं कि सर ऐसे नहीं ऐसे बताओ आप। तो बिल्कुल मैं उस चीज़ को देखूंगा और मुझे जैसा लगेगा तो मैं फिर उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, आप अपने YouTube चैनल कॉमर्स दादा को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से और आपके एक लाइक से हम लोगों का मनोबल बढ़ता है। इसलिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, हम लोग अब लेजर बनाएंगे धनबाद माइनिंग कंपनी के बुक में लैंडलॉर्ड्स अकाउंट का। तो सबसे पहले तो आप लेजर का कॉलम बना लीजिए, जैसे कि डेट पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट वगैरह जो भी हम लोग बनाते हैं, बाएं तरफ डेबिट साइड और दाहिने तरफ क्रेडिट साइड, ये सब आप मतलब लिख लीजिए, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट का लेजर हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि लैंडलॉर्ड को कितना अमाउंट ड्यू किया गया है। तो जनरल एंट्री इसकी जो होती है, रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद हम लैंडलॉर्ड को पेमेंट करने की एंट्री करते हैं, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करते हैं। दोस्तों, पहले जब हम लैंडलॉर्ड्स अकाउंट का लेजर बनाते थे तो उसमें पहले हम ड्यू का एंट्री करते थे और फिर पेमेंट की एंट्री करते थे, सेम ईयर में पेमेंट की एंट्री करते थे। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो गया है, और वो चेंज ये है कि आपको इस ईयर का पेमेंट नेक्स्ट ईयर के 31 जनवरी को करना है। तो इसलिए आप ध्यान से देखिए कि इस लेजर को कैसे बनाना है। तो फर्स्ट में तो रॉयल्टीज़ को जो है क्रेडिट साइड में कर दीजिए, बाय रॉयल्टीज़ अकाउंट बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, यानी कि जितना अमाउंट हम लोग ड्यू करते हैं उसको हम लोग लैंडलॉर्ड अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। रॉयल्टीज अमाउंट जो है वो 100 रुपये का है और शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट का जो अमाउंट है वो 100 रुपया है, तो दोनों मिला के 200 रुपया हो गया। तो ये 200 रुपया जो है फिर यहाँ पे डेबिट साइड में लिखिए टू बैलेंस सीडी, तो 200 रुपया कैरी डाउन हो जाएगा, क्योंकि इस ईयर तो पेमेंट होना नहीं है लैंडलॉर्ड को। पहले हम लोग जो सिंपल एंट्री करते थे कि पहले तो ड्यू की एंट्री करते थे फिर पेमेंट की एंट्री करते थे, बट ऐसा अब इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है कि भाई क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नेक्स्ट ईयर आपको पेमेंट करना है लैंडलॉर्ड का। तो हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी बैलेंस होगा तो उसको कैरी डाउन लिख देंगे, टू बैलेंस सीडी लिखेंगे 200 रुपीज़, और यही अमाउंट जो है नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर में यानी कि 2009 में हम लोग लिखेंगे 1 जनवरी को बाई बैलेंस बीडी, और अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे 200 रुपीज़। उसके बाद हम लोग जो रॉयल्टीज़ अकाउंट का लिखते हैं, बाई रॉयल्टीज़ अकाउंट बाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, यानी कि ड्यू अमाउंट जो हम लोग लैंडलॉर्ड को करते हैं, बस सेम एंट्री कर देंगे जैसे हम लोग फर्स्ट ईयर में किए थे, उसी तरह मतलब कि 2008 में जो किए थे फिर 2009 में करेंगे। 200 रुपीज़ तो बैलेंस बीडी है ही, बाई रॉयल्टीज़ अकाउंट लिखेंगे तो रॉयल्टीज़ का जो अमाउंट है 175, तो 175 लिख देंगे, और शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट जो है 25, तो टोटल हम लोग तीनों को ऐड कर देंगे तो 400 रुपीज़ हो जाएगा। जितना अमाउंट क्रेडिट में होगा उतना ही अमाउंट हम लोग डेबिट में लिखेंगे। और हम लोग क्या करेंगे कि 31 जनवरी 2009 को टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि लैंडलॉर्ड का पेमेंट होना था 31 जनवरी 2009 को, इसलिए टू बैंक लिखेंगे। और कितना अमाउंट था लैंडलॉर्ड का, 200, यानी मिनिमम रेंट जो है उसको 200 रुपया देना है, तो इसलिए 200 रुपया का पेमेंट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें भी सेम कंडीशन वही करेंगे कि टू बैलेंस सीडी करेंगे, जितना अमाउंट बचेगा पेमेंट करने के बाद 31 दिसंबर 2009 को जो अमाउंट है
वो 200 रुपया, यानी कि कैरेट डाउन में जाएगा 200 रुपया, और यही अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, यानी कि ईयर 2010 के लिए ये बाई बैलेंस बीडी हो जाएगा 200 रुपीज़। तो ईयर 2010 का जो है आप एनालिटिकल टेबल देखिए, तो एनालिटिकल टेबल में आप ये देखिएगा कि रॉयल्टीज़ का अमाउंट ज़्यादा है, मिनिमम रेंट का अमाउंट कम है। तो हमको क्या करना है, जैसे पहले क्या था कि शॉर्ट वर्किंग होता था तो बाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट लिखते थे, लेकिन अब क्या है कि एक्सेस वर्किंग है, तो एक्सेस वर्किंग के लिए अब क्या हम लोग लिखेंगे, टू शॉर्ट वर्किंग, यानी कि जस्ट अपोजिट एंट्री हम लोग कर देते हैं। तो ईयर 2010 में तो पहले आप बाई बैलेंस बीडी लिखिए 200 रुपीज़, फिर 31 दिसंबर को बाय रॉयल्टीज़ अकाउंट लिखिए 230 रुपये, यानी कि रॉयल्टीज़ अमाउंट जो था वो 230 था। और उसके बाद क्या है कि हमारा शॉर्ट वर्किंग जो है 30 रुपये का जो है बढ़ गया, यानी एक्सेस कर गया है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले तो भाई ईयर 2010 में जो है पेमेंट की एंट्री कर देंगे, यानी कि 2009 का जो ड्यूज अमाउंट था लैंडलॉर्ड का, उसका पहले हम पेमेंट करेंगे, यानी कि कितना था, 200 रुपया था, तो 200 का हम पेमेंट करेंगे, टू बैंक अकाउंट लिखेंगे 31 जनवरी को। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 30 रुपया बढ़ गया था, यानी एक्सेस वर्किंग जो हो गया था वो 30 रुपीज़ हो गया था, तो 31 दिसंबर को टू शॉर्ट वर्किंग्स लिखेंगे 30 रुपीज़, और इसको ऐड करेंगे, क्रेडिट साइड का ऐड करेंगे और फिर डेबिट साइड का ऐड करेंगे। तो क्रेडिट साइड में ज़्यादा है तो क्रेडिट का जो जितना ज़्यादा अमाउंट है सेम अमाउंट हम लोग डेबिट साइड में भी लिखेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि बैलेंसिंग फिगर क्या आ रहा है, यानी कि कैरी डाउन जाएगा अमाउंट 200 रुपीज़, तो ये 200 रुपीज़ जो है नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, यानी कि बैलेंस बीडी बाय बैलेंस बीडी हो जाएगा 2011 के लिए 200 रुपीज़। उसके बाद फिर 2011 का जो है फिर आप ये देखिए कि एक्चुअल रॉयल्टी क्या था और मिनिमम रेंट क्या था, यानी कि एक्चुअल रॉयल्टी फिर ज़्यादा है मिनिमम रेंट से। तो जैसे ईयर 2010 में हम लोग एंट्री किए हैं, सेम एंट्री वैसे ही करेंगे ईयर 2011 में। तो यहाँ पे लिखेंगे 31 दिसंबर बाय रॉयल्टीज़ अकाउंट, अमाउंट निकला था रॉयल्टी का 280, तो 280 यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, डेबिट साइड में मतलब कि पेमेंट करना था नेक्स्ट, मतलब कि प्रीवियस ईयर का जो पेमेंट बाकी था वो हमको करना था, तो 2011 में हम करेंगे 31 जनवरी 2011 टू बैंक अकाउंट करेंगे 200 रुपीज़। उसके बाद शॉर्ट वर्किंग कितना एक्सेस कर गया था, कितना एक्सेस वर्किंग था, यानी कि 80 रुपीज़ जो है एक्सेस वर्किंग था, तो एक्सेस वर्किंग 80 रुपीज़ है तो बाई शॉर्ट वर्किंग लिख देंगे 80 रुपीज़। और उसके बाद क्या करेंगे कि देख लेंगे कि कितना बैलेंसिंग हुआ, यानी कि क्रेडिट साइड का अमाउंट जो है ज़्यादा होगा, तो जितना अमाउंट क्रेडिट साइड का ज़्यादा होगा सेम अमाउंट 480 जो है डेबिट साइड में भी लिखेंगे, और फिर कैरी डाउन जो है 200 रुपया जाएगा। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि पेमेंट करना है 200 रुपया हर मंथ। जैसे आप एनालिटिकल टेबल बनाते हैं तो आपका पेमेंट जो है लैंडलॉर्ड को 200 रुपया ही होना है। 200 रुपया क्यों होना है, क्योंकि मिनिमम रेंट 200 रुपया है। तो आप 2011 तक जो है एनी हाउ आपका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो 200 से ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका मतलब आप जो पेमेंट करेंगे लैंडलॉर्ड को वो वही मिनिमम रेंट ही होता है, तो वही अमाउंट आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो 2011 में भी आपका 200 रुपया ही आएगा, यानी बैलेंसिंग फिगर। फिर यही अमाउंट जो है नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी कि ईयर 2012 में बाय बैलेंस बीडी हो जाएगा 200 रुपीज़। उसके बाद ईयर 2012 में आप देखिए कि रॉयल्टी कितना निकला हुआ है, तो रॉयल्टी 400 है, तो भाई 400 कर दीजिए, तो रॉयल्टी हो गया 400 और पिछले का जो बैलेंसिंग फिगर था वो 200 रुपीज़ था, यानी टोटल हो गया 600 रुपीज़। और इसमें क्या करना है, ईयर 2012 में ईयर 2011 वाला जो पेमेंट करना है 31 जनवरी 2012 को करेंगे, यानी कि टू बैंक अकाउंट करेंगे 200 रुपीज़। उसके बाद फिर हम लोग बैलेंस कर लेंगे, तो क्रेडिट साइड का अमाउंट जो है 600 रुपीज़ होगा, और वही अमाउंट हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे और फिर बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस में क्या होगा कि कैरी डाउन चला जाएगा 400 रुपीज़। यानी कि लास्ट में जो मैंने बताया था आपको कि लैंडलॉर्ड को जो पेमेंट होगा वो 400 रुपीज़ होगा, क्योंकि रॉयल्टी 400 निकला था और मिनिमम रेंट 200 था, और उससे पहले जितने भी शॉर्ट वर्किंग्स वगैरह जो भी थे सब रिक्यूब्ड हो गया, और जो अनरिक्यूब्ड हुआ उसको हम लोग पीएल में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो लास्ट का मैंने आपको नियम बताया था कि जो
विच एवर इज़ हायर अमाउंट, यानी कि रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में जो भी ज़्यादा होता है वही अमाउंट हम लोग लैंडलॉर्ड को पेमेंट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो मतलब कि बैलेंसिंग आपका फिगर होगा वो 400 रुपीज़ होगा, और यही 400 रुपीज़ जो है नेक्स्ट ईयर के लिए आपका बैलेंस बीडी हो जाएगा, बाई बैलेंस बीडी 2013 में 1 जनवरी बाई बैलेंस बीडी 400 रुपीज़। और ये जो बैलेंस मतलब बैलेंसिंग फिगर है 12 का जो पेमेंट है हमको 13 में करना है, तो इसलिए 2013 31 जनवरी टू बैंक अकाउंट करेंगे 400 रुपीज़। तो ये आपका लैंडलॉर्ड अकाउंट का लेजर कंप्लीट ख़त्म। अब हम लोग जो है शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट का लेजर बनाएंगे। तो आप एनालिटिकल टेबल में देखिए कि 2008 में कितना रुपीज़ था शॉर्ट वर्किंग का, यानी कि 100, और 2009 में जो था 25 रुपया, फिर 2010 में जो है एक्सेस वर्किंग था 30 रुपया, और 2011 में एक्सेस वर्किंग था 80 रुपया, और उसके बाद अनरिक्विप्ड अमाउंट जो था वो 15 रुपया था। ये आप एनालिटिकल टेबल से पहले देख लीजिए। उसके बाद जब हम शॉर्ट वर्किंग अकाउंट्स का लेजर बनाते हैं तो उसमें ये करते हैं कि जब जनरल एंट्री हम लोग करते हैं मतलब कि लैंडलॉर्ड को ड्यू करने की एंट्री, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट को डेबिट करते हैं। जब मतलब कि अमाउंट जो है शॉर्ट वर्किंग होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं और टू लैंडलॉर्ड लिखते हैं। तो फिर यहाँ पे कितने अमाउंट का शॉर्ट वर्किंग हुआ था, 100 रुपीज़ का, तो टू लैंडलॉर्ड है ना, यानी कि वो क्रेडिट साइड में जनरल एंट्री होती है तो उसकी जस्ट अपोजिट आपको एंट्री करनी है, डेबिट साइड में कर दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए टू लैंडलॉर्ड 100 रुपीज़ डेबिट साइड में। और ईयर 2008 में जो है आपका कैरी डाउन हो गया था 100 रुपीज़, तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी डाउन हो जाएगा, यानी कि बाई बैलेंस शीट 100 रुपीज़ 2008 31 दिसंबर 2008 को बाई बैलेंस शीट करेंगे 100 रुपीज़। और यही 100 रुपीज़ जो है ईयर 2009 को जाएगा 1 जनवरी टू बैलेंस बीडी 100 रुपीज़। अब फिर नेक्स्ट ईयर यानी 2009 में देखिए कि शॉर्ट वर्किंग कितना था, तो शॉर्ट वर्किंग 25 रुपीज़ था। सिंपल है, टू लैंडलॉर्ड लिख दीजिए 25 रुपीज़, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 125 होगा। और यही जो अमाउंट है यानी कि शॉर्ट वर्किंग जो है नेक्स्ट ईयर के लिए फिर ट्रांसफ़र हो जाएगा, बाई बैलेंस सीडी कर देंगे 125, और नेक्स्ट ईयर के लिए यानी ईयर 2010 में जो हो जाएगा टू बैलेंस बीडी 125। अब जो है 2010 में आप ये देखिए कि आपका रॉयल्टी जो है मतलब कि शॉर्ट वर्किंग जो है वो एक्सेस था या शॉर्ट हुआ था, यानी कि एक्सेस हुआ था, यानी 30 रुपये का जो एक्सेस हुआ था। तो आप मतलब शॉर्ट कर रहा था तो टू लैंडलॉर्ड लिखते थे, अब एक्सेस कर गया तो बाई लैंडलॉर्ड लिख दीजिए, 30 रुपये का एक्सेस कर गया 30 रुपीज़ लिख दीजिए। फिर 2010 का जो अकाउंट हम लोग क्लोज करेंगे तो ये देख लेंगे कि किधर का अमाउंट ज़्यादा है, यानी कि डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है 125, वो यही 125 जो है क्रेडिट साइड में लिखेंगे। फिर 31 दिसंबर को लिखेंगे बाई बैलेंस शीट यानी बैलेंसिंग फिगर जो आएगा 95 रुपीज़, और ये 95 रुपीज़ जो है 2011 के लिए ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो टू बैलेंस बी डी 95 रुपीज़। और उसके बाद क्या करना है कि 2011 में आप फिर एनालिटिकल टेबल में देखिए कि शॉर्ट किया था या एक्सेस हुआ था, यानी कि 2011 में जो है एक्सेस कर गया था, एक्सेस कितने से कर गया था, 80 रुपीज़। सिंपल है, बाय लैंडलॉर्ड लिख दीजिए 80 रुपीज़। और उसके बाद एक और है मतलब कि दोनों 80 रुपीज़ हम करने के बाद ये देखते हैं कि 15 रुपये का जो है पीएल में ट्रांसफ़र हो गया था, यानी कि अनरिक्यूब्ड हो गया था। सिंपल है, बाय पीएल कर दीजिए तो दोनों का बैलेंस बराबर हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी 95 है, बाय लैंडलॉर्ड 80 रुपीज़, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 15 रुपीज़। तो आपका खाता क्लोज आया, 95 रुपीज़ डेबिट होगा, 95 रुपीज़ क्रेडिट होगा। इस तरह से आपका जो है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का लेजर मेंटेन हो जाएगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं लेजर से लेजर बनाने का मैं एक ट्रिक बताऊँगा कि कैसे मतलब कि कितना सिंपल होता है लेजर से लेजर बनाना। एक लेजर बन गया, दूसरा लेजर में आपको कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं बताऊंगा बिल्कुल वैसे ही आप करेंगे एकदम, मतलब बहुत आसान ट्रिक है मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।